अच्छा, तो बेसिकली मैंने आप लोगों को जिस तरीके से बताया कि मैं हैदराबाद से ताल्लुक़ है मेरा, तो हैदराबाद के अंदर जो लोग रहते हैं उन लोगों को ये चीज़ मालूम होगी कि जिस तरीके से कराची के अंदर आप कराची डिवाइड हुआ हुआ है इलाकों में, एरियाज़ में, उसी तरीके से हैदराबाद में वैसे भी एरियाज़ हैं लेकिन हैदराबाद को, लतीफ़ाबाद को स्पेशली डिवाइड किया हुआ है यूनिट्स के अंदर। सही। तो यूनिट नंबर टू है, यूनिट नंबर 2 से लेके यूनिट नंबर 12 तक जो है वो पूरा लतीफ़ाबाद इस पर कंसिस्ट करता है। मैंने अपनी बर्थ से लेके आई एम 18 ईयर्स, तो अपनी पैदाइश मेरी हैदराबाद की है और मैं सारी ज़िंदगी हम लोग दादाबू के साथ रहते थे बेसिकली उनके घर में, और हम लोग 6 नंबर में रहते थे यानी यूनिट नंबर 6 में। तो वहाँ पर अब बेसिकली हमारे घर के अंदर 8 लोग थे, 4 हम बहन भाई थे, एक भाई है मेरा, बाकी बहनें, और मेरे दादाबू थे, अम्मा बाबा थे, और मेरे एक और दादा थे जो बेसिकली मेरे बाबा के चचा थे और वो अनमैरिड थे, तो वो हमारे साथ रहते थे। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड दे रही हूँ ताकि अंडरस्टैंड कर सकें सब सही से। तो हम थे साथ, लेकिन ऐसा नहीं था कि मेरे चाचू वगैरह जो हैं वो भी थे। मेरे एक ही चाचू हैं, एक ताया और एक ही फुप्पो हैं, तो वो लोग साथ नहीं होते थे, बहरहाल वो लोग दूर दूर होते थे। तो ये पहले तो जो बहुत स्टार्टिंग का वाक़या है जब इस घर के अंदर हम लोग शिफ्ट हुए, क्योंकि मेरे दादा जो थे वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट थे और उनकी सारी ज़िंदगी उनकी पोस्टिंग होती रही है। तो फाइनली जब हैदराबाद के अंदर हमने ये घर परचेज़ किया तो ये 6, मैं बता देती हूँ थोड़ा सा, एग्जैक्ट नहीं मैं बताऊँगी क्योंकि आप मना करते हैं। तो यूनिट नंबर 6 के अंदर ब्लॉक ई में हम लोग रहते थे और वो 600 गज़ का घर था हमारा। और रिसेंटली हमने घर शिफ्ट किया है और घर शिफ्ट करके हम 9 नंबर आ गए हैं, लेकिन जब हम 6 नंबर में रहते थे तो बहुत टाइम ऑलमोस्ट 45 ईयर्स आ रहे हैं। और मेरी अम्मा जब रुखसती होकर आई थी तो वो वहीं आई थी। अब उनकी शादी को भी माशाल्लाह 25 ईयर्स हो रहे हैं। तो बहरहाल जिस टाइम यहाँ पर शिफ्ट हुए उस टाइम पर मेरे जो दादा थे, मैंने आपको बताया, तो वो हैदराबाद बोर्ड के चेयरमैन थे, तो उनके साथ सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल के इशूज़ रहते थे। मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाह रही, लेकिन आपको पता है कि उस टाइम पे कुछ फसादात चल रहे थे, कुछ 2 स्पेसिफिक पार्टियों के और स्पेसिफिक ज़बानों को बोलने वालों के। तो मेरे दादा जो थे, हम लोग उर्दू स्पीकिंग हैं, तो मेरे जो दादा थे वो उस टाइम बोर्ड के चेयरमैन थे और बोर्ड के चेयरमैन थे तो उनके साथ कुछ सिक्योरिटी इशूज़ बहुत थे, जिसकी वजह से उनके साथ हर वो गार्ड्स और गाड़ियाँ रहती थी। अब बाबा जो थे मेरे, उस टाइम पे बाबा जॉब करते थे हैदराबाद, उसके अंदर करते थे, पावर हाउस के अंदर जॉब करते थे जो हैदराबाद से थोड़ा सा इलाके से निकल के था। तो बाबा को वहाँ आने जाने में ना देर लगती थी, तो उनको सिक्योरिटी रीजंस की वजह से वो जॉब भी छोड़नी पड़ी। तो हमारा जब ये घर लिया तो ये पहले ऊपर बना हुआ नहीं था, तो ऊपर बना मेरे चाचू की शादी के टाइम मेरे दादा ने बनवाया, लेकिन जिस टाइम ये बना हुआ नहीं था उस टाइम ऊपर सिर्फ एक कमरा होता था जो उन गार्ड्स के लिए मखसूस था जो मेरे दादा के साथ होते थे, क्योंकि वो 24 घंटे की ड्यूटी थी। और अक्सर ऐसा होता था जैसे रात के टाइम पर हमारे घर के ऊपर ना रात के टाइम भी फायरिंग्स हुई हैं, जिसके निशान मैंने खुद अपनी ज़िंदगी के अंदर देखे, हमारी दीवार पे बुलेट्स के निशान रह गए थे। सही। तो बहरहाल अब वो वहाँ पे रहते थे सारे गार्ड्स वगैरह, तो उनमें हमारे एक गार्ड थे जो बहुत ही स्पेसिफिकली, जिनकी अभी कुछ साल पहले डेथ हुई है, और वो मतलब एक तरीके से हेड करते थे सबको, और मेरे बाबा के एज के ही थे और बाबा उनके साथ जवान हुए। तो वो लोग जब उस कमरे में रहते थे ना, तो कुछ टाइम के बाद उन्होंने ना कुछ किसी की प्रेजेंस की अक्सर शिकायत करते थे मेरी दादी से। मेरी दादी भी गवर्नमेंट टीचर थी, मेरे दादा भी गवर्नमेंट टीचर थे, तो वो कुछ शिकायत करती थी ना कि यहाँ, वो शिकायत करते थे दादी से आके मेरी कि ना यहाँ में फील होता है कुछ ऐसा वैसा। तो वो कहती थी कि नहीं, हो सकता तुम लोगों का वहम हो और तुम लोग पूरी रात जागते हो। तो वो कहते थे कि अच्छा हाँ, शायद ऐसा हो सकता है। एक रात क्या हुआ कि पता नहीं कोई ऐसे ही फसादात हुए, अल्लाह जाने, वो मुझे इतना क्लियरली नहीं पता, लेकिन हुआ ये कि बेसिकली फायरिंग स्टार्ट हो गई और उस टाइम रात का तकरीबन 11 या 12 बज रहा था। बाबा ने ये कहानी बताई तो बाबा ने बताया कि उस टाइम अम्मी अब्बू के साथ घर के अंदर जो था वो मैं था सिर्फ, और कोई भी नहीं होता था, बाबा की शादी नहीं हुई थी उस टाइम। तो बाबा कहते हैं कि वहाँ आप सारे जो भी गार्ड्स वगैरह थे, जो भी गनमैन थे, जो भी थे, जितना भी असलाहा था, क्योंकि इनके पास भी अपना लाइसेंस्ड असलाहा मौजूद होता था, तो जो भी असलाहा वगैरह था वो लेके हम लोग निकले हैं बाहर ना। अब बाबा को उनके अम्मा अब्बा यानी दादाबू और दद्दा रोकते थे कि आपने नहीं जाना, मगर बाबा भी वहाँ गए हैं और जैसे लाइक एक तरीके की पूरी फायरिंग चल रही है प्रॉपर्ली ना, और वो मुसलसल इनको सिर्फ ये इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं गार्ड्स के आप लोग अपने सर वगैरह छुपा के नीचे होके हेड डाउन करके बैठ रहे हैं, क्योंकि उस घर का हमारा लॉन बहुत बड़ा था जो कि बेसिकली डायरेक्टली लाउंज और किचन उस घर से कनेक्ट होता था ड्राॅइंग रूम से। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि फायरिंग रुक गई, वरना हाल ऐसा था कि वो फायरिंग रुकने का नाम नहीं ले रही थी। और वो जब ये बात कंटिन्यूसली न्यूज़ चैनल्स पे आ रही थी कि हैदराबाद और कराची उस टाइम पे मेन गढ़ होते थे, तो वो आ रहा था कि हैदराबाद में बहुत बुरे फसादात हैं, बहुत ज़्यादा बुरे। अब वो जो पार्टीज़ के थे, एकदम से वो फायरिंग रुक गई, क्योंकि उस दिन बाबा कहते हैं कि हमें ऐसा लग रहा था कि हमारी ज़िंदगियां बचाना मुश्किल है। एकदम से वो फायरिंग जो भी फायरिंग थी वो सारी रुकी और वो चले गए। उसके कुछ टाइम के बाद हमारा जो घर था, मैं बहुत थोड़ा शॉर्ट करके आपको बता रही हूँ, लेकिन उस टाइम पे ये होता था कि बहुत सारे लोग ना शिकायत करते थे, जो हमारे जो भी कुछ हाउस हेल्प्स थे या कोई भी ऐसे गार्ड्स थे, वो शिकायत कंटिन्यूसली कर रहे थे कि हमें यहाँ पर ना प्रेजेंस नज़र आती है और हमें कोई ऐसी एंटिटी नज़र आती है बेसिकली जो एक बुज़ुर्ग है, और वो हमें नज़र आते हैं कि वो अक्सर नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो मेरी दद्दा ने बहरहाल इस चीज़ पर यकीन नहीं किया। कुछ टाइम के बाद हमारे घर में ये चीज़ स्पेसिफिकली मशहूर हो गई कि ये वाला जो घर है इसके अंदर कुछ है, प्रेजेंस है। और फिर वो बाद में जब बात होते होते पता चली कि जिस टाइम उस रात वो जो भी सारा हमले वमले हुए, जो भी फायरिंग हुई थी, उस रात उनको भी जो भी लोग थे वहाँ पर या क्या था, बहरहाल मुझे नहीं पता कि ये बात कैसे आउट हुई, किसका उन लोगों से कॉन्टैक्ट था जो फायरिंग करने आए थे, लेकिन बहरहाल ये कि उन्होंने ये चीज़ कही कि वहाँ पर हम लोगों ने फायरिंग रोकी ही इसलिए थी क्योंकि हमें वहाँ पर बाकायदा फील हुआ है कि वहाँ पर कुछ लोग नहीं है। हमारे पास उस टाइम पर 5 गार्ड्स थे और वहाँ पर उन्होंने कहा कि हमें ऐसा फील हुआ कि वहाँ पर पूरी एक आर्मी थी। मेरे दादा और दादाबू को, बाबा को भी यही लगा कि ये सिर्फ एक उड़ती उड़ती बात है, तो बात बहरहाल वहीं ख़त्म कर दी गई। उसके बाद बाबा की शादी हो गई और मेरे जो चाचू थे वो भी वापस हैदराबाद आ गए थे रहने के लिए। वो बेसिकली टेक्सटाइल इंजीनियर थे, कराची में काम करते थे। तो वो आए, तो जब ऊपर का पोर्शन बन गया तो मेरी चच्ची वहाँ पे रहती थी, जिनको मैं वैसे खालाओं को आनी कहते हैं, मैं अपनी चाची को आनी कहती थी। तो आनी रहती थी ऊपर। शादी के कुछ टाइम तक तो उनकी औलाद नहीं हुई थी जैसे, तो वो अकेली रहती थी और चाचू उस टाइम मेरे कराची में होते थे, तो वो ऊपर वाले पोर्शन में टोटली तौर पर अकेली होती थी। और उन्होंने फिर आके नीचे दद्दा को और दादाबू को और अम्मा को भी कि भाभी मुझे ऊपर कुछ फील होता है, मुझे ये फील होता है कि पूरी रात जिस टाइम मेरे चाचू का जो नाम था, मतलब XYZ कर लें, कि यहाँ पर कोई कुछ ड्रैग कर रहा है और मुझे आप कुछ ड्रैग कर रही होती हैं। तो अम्मा ने कहा कि ये एक सेंस की बात है कि अगर कोई ड्रैगिंग हो भी रही होगी तो हम तो नीचे पोर्शन में होते हैं, हमें आवाज़ आएगी, तुम्हें कैसे आवाज़ आ सकती है। उन्होंने कहा नहीं, ऊपर छत पर कोई होता है। उन्होंने कहा नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं। और ये वो टाइम था कि दादाबू हैदराबाद बोर्ड के चेयरमैन नहीं रहे थे, तो वो सारी सिक्योरिटी इशूज़ और कंसर्न्स ख़त्म हो गए थे। तो बहरहाल अब वो मुसलसल शिकायत करती थी और उनको डर लगता था। वो कहती थी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पूरा किसी घर को शिफ्ट करते हुए पूरी फर्नीचर्स को सेट किया जा रहा है। उनके दरवाजे पर नॉकिंग होनी स्टार्ट हो गई। उनके दरवाजे पर नॉक होता था, वो बहुत डरते थे। उनके साथ कोई बच्चा नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो एक दिन उन्होंने कहा कि अच्छा मैं ना, अम्मा कहती थी कि तुम नीचे आ जाया करो, मेरी आनी को मतलब चच्ची को, कि तुम नीचे आ जाया करो और सारी चीज़ें। तो वो कहती थी नहीं मैं नीचे, वो पता नहीं क्या था, उनके अपने कुछ प्राइवेसी कंसर्न्स थे कि वो नहीं आती थी। तो उन्होंने कहा कि मैं एक काम करती हूँ, मैं अपनी अम्मी वगैरह को बुला लेती हूँ, जो भी उस टाइम फ्री हो। उन्होंने अपनी अम्मी को बुला लिया। जिस दिन उन्होंने अपनी अम्मी को बुलाया उस दिन कुछ भी नहीं हुआ, उस दिन सारा कुछ सब कुछ बेस्ट था, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन उसके जाने के बाद एक दिन रात में अम्मा नीचे थी और उस टाइम मैं 3rd नंबर पर हूँ, तो मेरे 2 बहन भाई जो हैं वो पैदा हो गए थे। तो अम्मा के पास आई हैं और वो रोती हुई आई हैं और उन्होंने कहा है कि बस भाभी मैंने अब इधर नहीं रहना। अम्मा ने कहा क्या हुआ है, क्योंकि दादाबू सो रहे थे और दादाबू मेरे थोड़े ज़रा ऐसे रोब वाले थे कि थोड़ा सा उनसे ना डर लगता था जैसे। तो उन्होंने कहा भाभी मैंने नहीं रहना यहाँ पर, मैं ऊपर तो बिल्कुल नहीं जाऊँगी। अम्मा ने कहा हुआ क्या है, तो उन्होंने कहा कि देखें मुझे इस तरीके से फ़ील हुआ है कि जैसे किसी ने मेरे कमरे का दरवाज़ा खोल के ज़ोर से बंद किया है। तो अम्मा ने कहा कि हो सकता है कि हवा से हुआ हो या कोई भी रीज़न हो सकता है। उन्होंने कहा नहीं भाभी मैं लॉक करके सोती। मैंने कहा कि समीना ऐसे तो नहीं हो सकता, तुम देखो तुमने ऐसी क्या चीज़ है, कुछ भी हो सकता है, तुम इतना डर क्यों रही हो। कहा भाभी मैं वहाँ पर भी रुक जाती, मैंने वो कमरे के दरवाजे को इग्नोर किया, मैंने दोबारा दरवाज़ा बंद किया, मैं दोबारा लेट गई हूँ। लेकिन उनके बेसिकली हमारा ऊपर का जो घर था वो ऐसा था कि आप स्टेयर से ऊपर आए तो बिल्कुल सीध में उनका कमरा था और फिर लाइन से ऐसे 3 कमरे थे। तो उन्होंने कहा कि और उस कमरे में ना जो मेरे चाचू का कमरा था बेसिकली फर्स्ट कमरा था, और उस कमरे की जो एक बहुत बड़ी खिड़की थी जिस पर लगी हुई जालियाँ थी और वो खुलती थी लाउंज में। तो उन्होंने कहा कि वो वाली खिड़की हल्की से खुली हुई थी और आई कैन लिटरली सी कि वहाँ पर कोई वाइट कलर के कपड़ों में कोई गुजर रहा है, और एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा नहीं, कंटिन्यूसली गुजर रहा है। मैंने जिस तरीके से मैंने बस दरवाज़ा खोला है और फिर 5 मिनट बाद मुझे ऐसा लगा कि अब कोई भी नहीं है, तो मैं दरवाज़ा खोल के भागती भी नहीं चाहिए। और तब भी मेरी नज़र पड़ी है क्योंकि हमारे वहाँ पर बहुत पुरानी तर्ज का घर बना हुआ था, बेसिकली बहुत पुराना। तो उन्होंने कहा कि ना वहाँ पर मैंने देखा कि पिलर के पास जो दूसरे कमरे के बिल्कुल सामने वाली एरिया था वहाँ पे बेसिकली डाइनिंग टेबल रखी थी, वहाँ पे मैंने किसी को नमाज पढ़ते हुए देखा। अम्मा ने उस टाइम उनको रिलैक्स रिलैक्स करके नेक्स्ट डे की सारी बात दादाबू के सामने उन्होंने भी ये कहा कि तुम नीचे शिफ्ट हो जाओ और सारा कुछ, क्योंकि चाचू उस टाइम मेरे आ नहीं सकते थे, उनकी जॉब की नौयत ऐसी थी। ये कह के खैर बहरहाल बात खत्म हो गई। उसके बाद मेरे चाचू की वहाँ पर पोस्टिंग हो गई, तो उन्होंने मतलब पोस्टिंग नहीं, उनकी वहाँ पर प्रॉपर एक दूसरी फर्म के अंदर जॉब हो गई थी, तो उन्होंने अपनी पूरी फैमिली वहाँ बुला ली। और हमारा जो घर है वो प्रॉपर ऊपर वाला, क्योंकि ज़रूरत नहीं थी और मेरे दादा किराए पे देने के हक में नहीं थे, तो उन्होंने वो घर प्रॉपर्ली बंद हो गया और हम 8 के 8 लोग नीचे वाले में रहते थे एरिया में। ऊपर उनके फर्नीचर्स वगैरह पड़े थे जो कुछ टाइम के बाद बुला लिया। अब जैसे जैसे हम बड़े हुए ना, मेरा भाई बड़ा हुआ, तो नीचे थे 4 कमरे और उन 4 कमरों में एक कमरा मेरे दादा का था, वो मैंने बताया, जो मेरे बाबा के बेसिकली चचा थे और अनमेरिड थे, हमारे साथ रहते थे। एक कमरा उनका था, एक कमरा मेरे दादाबू का था, एक कमरा अम्मा बाबा का होता था और एक हमारा स्टोर रूम था। बाकी उसके अलावा ग्राउंड फ्लोर पे था जी, ये ग्राउंड फ्लोर पे हम सब रहते थे और ये वाकया ऊपर वाले फ्लोर का है। तो अब वो तकरीबन आप कह लें कि 15 साल तक, या हाँ 15 साल तक वो ऊपर वाला एरिया वहाँ किसी ने किसी को टच नहीं किया, सिवाय ईद बकरा ईद के, कि वहाँ दादा तायबू आते थे मेरे, या चाचू। तायबू भी मेरे कराची होते थे, अब वो मेरी कंट्री में नहीं होती थी, तो तायबू और चाचू रुकने के लिए आते थे, तो वो कमरे खोल दिए जाते थे, सफाइयाँ करके वो वहाँ रहते थे। और उन दिनों में ऐसी कोई बात नहीं हुई। बहरहाल उसके बाद फिर मेरा भाई जब बड़ा हुआ तो उसका अपना कोई अलग कमरा नहीं था। आपको पता है कि लड़कों को चाहिए होता है फॉर कोई भी रीज़न ऊपर ना कमरे। उसने क्या किया कि वो रहता नहीं था ऊपर, लेकिन ऊपर चाचू वाले कमरे का उसने उनकी इजाज़त से पूछ के, क्योंकि उनका सामान वगैरह उठ चुका था, उसने उनकी इजाज़त से पूछ के वहाँ का वॉशरूम यूज़ करना। उसने कहा कि मैं वॉशरूम वहाँ जाकर कम्फर्टेबल होता हूँ, पता नहीं क्या उसको कुछ था, उसने ऊपर वाला, हालांकि नीचे भी थे वॉशरूम, सब कुछ था, तो उसने ऊपर वाला वॉशरूम, सिगरेट भी था जी जी जी। तो बहरहाल उसने वो वाला, उसने कहा कि मैं, अब वो रात को उसका कुछ सीन ऐसा था कि वो आता भी देर से था, आपको पता है लड़कों की अपनी बैठक होती है और सारा कुछ, तो वो आके और वो वॉशरूम जाती यूज़ करके और वो आ जाता था नीचे। तो उसने भी बहुत दफ़ा अम्मा को ये चीज़ कही। अब वो बिल्कुल ऐसा नहीं है, आई स्वेयर, आपको पता है लड़के ज़्यादातर कम बिलीव करते हैं, औरतें ज़्यादा इन चीज़ों पर करती हैं, एज लॉन्ग एज कि आपने खुद ना देखा। तो उसने अम्मा को कहा, अम्मा बहुत दफ़ा ना हमारी मासी, इनफैक्ट हमारी मासी ने, क्योंकि मेरे दादा, हमारा ना एक स्कूल था और उधर मेरे दादाबू रिटायरमेंट के बाद भी जाया करते थे, यानी प्रिंसिपल थे। तो अब होता क्या था कि एक दिन अम्मा वापस आती, मेरी अम्मा भी जो हाउस जॉब, मेरी अम्मा भी सॉरी टीचिंग करती थी, बाबा भी मेरे जो है वो जॉब करते थे, हम सब भी स्कूल जाते थे। सिर्फ एक मेरे जो छोटे दादा हैं वो घर पे होते थे, मेरे सगे दादा नहीं, छोटे दादा वो होते थे, दादाबू भी सुबह स्कूल जाते थे। तो उन्होंने एक दिन, अम्मा वापस आई हैं तो वो मासी किचन में काम कर रही थी, तो अम्मा ने कहा कि उसने ना, मेरे दादा का एक स्पेसिफिक कप होता था, दादाबू का, मेरे जो सगे दादाबू हैं उनका एक कप, उनका एक कप होता था ग्लास का जिसमें वो चाय पीते थे, सबको पता था उनका कप है। तो उसने वो कप बना के रखा हुआ था चाय का और गरम गरम भाप पड़ी। अम्मा ने कहा कि ये तुमने क्यों बनाया है? तो अब दादाबू आते थे अम्मा के बाद, अम्मा पहले आती थी, तो उसने कहा कि बाजी अभी वो ना अब्बू आए अभी। तो अम्मा ने कहा कि नहीं, अम्मा ने कहा कि अबू कब आए अभी? उन्होंने कहा नहीं अभी आए, उनको मैंने देखा बाहर लॉन में वॉक कर रहे हैं। अम्मा ने कहा कि तुम्हें भी पता है, तुम कोई नहीं हो, तुम्हें रोज़ाना का रूटीन है कि हमारे यहाँ कि वो बाद में आते हैं। उन्होंने कहा नहीं बाजी, उन्होंने मुझे कहा है कि चाय बना के दो और वो बाहर वॉक कर रहे हैं। अम्मा ने कहा आओ चलो मेरे साथ देखो। उन्होंने कहा आपने हो सकता है चचा को देखा हो, यानी मेरे जो वो बाबा के जो चचा थे उनको सब चचा कहते, हो सकता है तुमने चचा को देखा हो, अबू नहीं है। उसने कहा नहीं बाजी, उन्होंने मुझे आके बोला है कि महनाज चाय बना दो। अम्मा ने कहा अच्छा ठीक है। थोड़ी देर के बाद दादाबू आए तो उन्होंने कहा देखो अभी तुम्हारे सामने है। बहरहाल वो मासी जो थी ना वो कहने लगी कि बाजी मेरे साथ पहली दूसरी दफ़ा नहीं हो रहा, लेकिन मैं आपको बताती नहीं थी क्योंकि मुझे था कि आप यकीन नहीं करेंगे। अम्मा ने कहा चलो ठीक है, कर रही होगी ऐसी वैसे। थोड़े टाइम के बाद वो मासी भी हमारा घर छोड़ के चली गई। कुछ ऐसी बात थी कि वहाँ पर मासियाँ टिकती नहीं थी, हालांकि ये कि ऐसा नहीं था घर पूरा अकेला होता था या कुछ भी था। वो कहती थी कि हम किचन के अंदर ही, क्योंकि आपको पता है उनका काम बेसिकली किचन का होता था, तो वो कहती थी कि हम किचन के अंदर होते हैं, लेकिन हमें फील ये होता है कि मुसलसल स्पेशली आपके लॉन के एरिया में जहाँ पर आपकी टंकी बनी हुई है पानी की, वहाँ पर कंटिन्यूसली कोई ना कोई वॉक कर रहा होता है। और बहुत दफ़ा, क्योंकि हमारा ना बेसिक जो किचन है ना, किचन हमारी गली थी, घर के पीछे पतली सी जो गली नहीं होती वो थी, तो वो आर पार तरीके का घर था, तो किचन का दरवाज़ा उस गली से खुलता हुआ लॉन में जाता था और वो पहली जगह जो आती थी वो टंकी वाली आती थी। तो वो कहती थी कि बाजी बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि हम कचरे वाले का दरवाज़ा खोलने गए, कुछ भी था तो हमें ऐसा फील हुआ कि जैसे आपके अब्बू जो हैं वो वापस आ गए, जबकि वो नहीं होते थे, या जो वो छोटे चच्चा हैं वो अक्सर गए हुए होते थे ऐसे ही कोई सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए। तो हमें ऐसा लगता था कि कोई है, जबकि नहीं होता था। और सिर्फ और हर किसी ने सिर्फ ये कहा कि हमें एक बुजुर्ग नज़र आते थे। खैर थोड़े टाइम के बाद जब भैया ने एक दफ़ा अम्मा को बताया कि अम्मा मैं अक्सर ऐसा होता है, मैं सीढ़ियों से आ रहा होता हूँ ना तो मुझे बहुत क्लोजली फील होता है कि कोई पीछे खड़ा हुआ है, बहुत क्लोज खड़ा हुआ है, लेकिन मैंने कभी मुड़ के नहीं देखा। अम्मा ने कहा तुम्हारा वहम होगा, इतनी देर ऊपर ना बैठा करो, एक जगह जो आबाद नहीं है, जाहिर है वहाँ कुछ ना कुछ तो होता है। बहरहाल अब फाइनली मैं आ रही हूँ बिल्कुल लास्ट किस्से के ऊपर कि 2022 के अंदर मैं फर्स्ट ईयर में थी उस टाइम, और मेरे बोर्ड के पेपर्स खत्म हुए थे। मेरे दादाबू की डेथ हो चुकी थी और दादा की भी हो गई थी, उनकी तो मेरी पैदाइश से पहले हो गई थी, तो सिर्फ दादा हमारे साथ रहते थे उस टाइम। अब आपको पता है कि जब डेथ हो जाती है, दादा यानी कि आपकी दादी? जी जी, दादा दादी को कहती हूँ मैं। सही। तो मेरे दादाबू और मेरी दादा दोनों की डेथ हो चुकी थी, और सिर्फ मेरे जो दादा है ना, छोटे दादा, उनको हम छोटे दादा कहते थे, वो थे। अब आपको पता है कि जब ज़ाहिर दादाबू की डेथ हुई तो ये विरासत होती है, सबका बंटना होता है, तो वही घर था हमारा, तो उसकी कुछ ना कुछ बात चल रही थी। दादाबू की 2021 में डेथ हुई थी और 2022 की ये बात है। तो मेरे जैसे ही पेपर्स ख़त्म हुए ना, आपको याद होगा पिछले ईयर की बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, 2022 में बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, जुलाई के टाइम पे। तो हमारा ना, अम्मा ने कहा कि काम करते सारा तुम अभी अभी फारिग हो गया, फिर उसके बाद ये घर शिफ्टिंग का मसला शुरू हो जाएगा, तो क्यों ना एक काम करें, एक ट्रिप लेकर आते हैं नॉर्दर्न एरियाज़ की। मेरे ही पेपर्स रह गए थे और किसी का कुछ रहता नहीं था, तो सारे बहुत टाइम से बोर हो रहे थे। हमने कहा अच्छा चलें, ठीक है चलते। जैसे मेरे पेपर्स ख़त्म हुए, मेरे पास, आपको याद होगा कि उस टाइम से इलेक्शंस का जिक्र चल रहा था, तो उस टाइम पर इलेक्शन का जिक्र चल रहा था, तो अम्मा बाबा मेरे दोनों गवर्नमेंट टीचर्स हैं, तो उन दोनों की ड्यूटीज़ लगती हैं बेसिकली, तो उनकी ड्यूटीज़ का कुछ इशू आ रहा था कि एक दफ़ा ऐसा भी हुआ कि बाबा टिकट के पैसे लेके गए और वापस आ गए क्योंकि अम्मा की ड्यूटी का कुछ इशू आ गया था। बहरहाल इलेक्शंस ना हुए, ना ही ड्यूटीज़ हुई, हम नॉर्दर्न एरियाज़ चले गए। नॉर्दर्न एरियाज़ गए तो हम 5 लोग गए थे, मेरा भाई नहीं गया था और मेरे दादा नहीं गए थे क्योंकि वो ट्रैवलिंग कर नहीं सकते, जो छोटे दादा हैं, तो उसको भी रुकना पड़ा उनके साथ। तो अब वो वहाँ पर रुक गए, अब वो रुक गए, हम लोग पीछे से पूरा ट्रिप करके तकरीबन हम 25 जुलाई को गए थे, हम 2 अगस्त को वापस आ गए। हम वापस आए ना, तो उसके बाद हमें पता था कि अब हमें यहाँ से शिफ्टिंग स्टार्ट करनी है। वापस आए ना, तो मेरा भाई जो था ना, वो थोड़ा पहले दिन तो वो बहुत नॉर्मल एक्ट किया उसने सारा कुछ, जब उससे थोड़ा बहुत पूछा हम लोगों की थकन उतरी तो हाँ सारा कुछ कैसा था, क्योंकि उसको हमने कहा था कि पीछे से तुम थोड़ी बहुत पैकिंग कर लेना, उसने कहा ठीक है। तो अब जब उससे पूछा कि तुम्हारा सारा कुछ कैसा गुजरा जो भी था, तो उसने कहा कि अम्मा आपको याद है मैंने आपको बताया था कि मुझे ऊपर फील होता था, मैंने कहा क्या था, उसके बाद मुझे कुछ फील हुआ, लेकिन मैं 2-3 वाक़ियात आपको बताता हूँ। मैंने कहा हाँ। अम्मा कहती, मेरे भाई का एक दोस्त था जिनका नाम है हमज़ा, तो वो कहते हैं कि एक दिन मैं सो रहा था और दादा बाहर लेटे होते थे, तो उनके लुक आफ्टर के लिए, क्योंकि उनको फालिज था, कोई एक बंदा चाहिए होता था, तो उनका भैया का दोस्त आया बाहर और उसने बोला कि उसने कॉल की भैया को, नहीं उसने कॉल नहीं की, उसने बैल बजाई दरवाजे की और उसने कहा तो उसको थोड़ी देर के बाद जवाब आता है कि यार कौन है अंदर से ना, तो उसने कहा मैं हमज़ा हूँ, राफे बाहर आ जाओ। उसने कहा अच्छा ठीक है, उसने कहा मैं आ रहा हूँ। अब थोड़ी देर के बाद भैया के फ़ोन पे बैल बजती है, कॉल होती है और कॉल करके हमज़ा भाई कहते हैं कि राफे बाहर क्यों नहीं आ रहे हो, तो भैया ने कहा कि तुमने अभी तो मुझे कॉल किया, तो उसने कहा नहीं मैंने तुम्हें अभी कॉल नहीं किया, तुम्हारा दरवाज़ा बजाया था, किसी ने दरवाजे से बोला है। उसने कहा तुम्हारा दिमाग सही है, मैं सो रहा था, मेरी आवाज़ से नहीं पता चल रहा। तो वो कहते हैं कि नहीं राफे ऐसे नहीं है। तो अब भैया बाहर गया, उसने दरवाज़ा खोला, उसने बोला, तो वो उसका रंग उड़ा हुआ, वो कहता है मैंने तुम्हारे घर के अंदर नहीं आना, क्योंकि हमारा घर बेसिकली था भी कुछ ऐसा, अगर कोई हैदराबाद का बंदा यहाँ सुन रहा हो और वो उस जगह का हो तो उसे पता होगा, क्योंकि अभी अभी रिसेंटली ही हम वहाँ से शिफ्ट हुए, तो वो था ऐसा कि हमें जो भी आता था वो कहता था तुम्हारा घर बहुत हॉन्टेड लगता है, हवेली हवेली टाइप लगता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। मेरी अम्मा कहती हैं कि मेरी शादी को 25 साल हुए, मैंने आज तक अकेली भी रही हूँ, बारिशों में भी रही हूँ, बिना लाइट के रही हूँ, मैंने कभी कुछ फील नहीं किया। लेकिन बहरहाल ये सीन हुआ। फिर उसके बाद भैया कहता है कि अम्मा अक्सर ऐसा होता था रात में कि मेरे सारे दोस्त, अब आपको पता है कि घर में जब कोई बहन वगैरह नहीं है या माँ नहीं है तो दोस्त सारे एक दोस्त के घर में महफिल जमा लेते हैं, बॉन फायर हो रहा है, सब कुछ हो रहा है वहाँ पे, पूरी इनकी ना बैठे रहते थे। उसके बाद जब वो चले जाते थे, वो कहता था दादा बाहर ना एक तख्त था वहाँ पे लेटे होते थे और मैं सो रहा हूँ अंदर दादाबू के कमरे में, तो मुझे प्रॉपरली ऐसा फील होता था कि जैसे बाहर किसी ने पूरी एक बहुत बड़े ख़ानदान की दावतें अरेंज की हैं। दावतें इन सेंस ये कि मुझे बाहर से पूरी आवाज़ें आती थी, चम्मच खड़कने की आवाज़, बर्तनों की आवाज़, खाना खाने की आवाज़, इवन दैट कि मैंने स्मेल तक किया खाने को, और कोई नहीं होता था घर में सिवाय 2 लोगों के। और मैंने ये चीज़ में किया था, और मैं बाहर पूरा अंधेरा है, सिर्फ एक छोटी सी लाइट जल रही होती थी और दादा मुझे पता है वो सो रहे होते थे, नहीं तो उनके पास एक बैल थी जो वो बजाया करते थे, क्योंकि मैंने आपको बताया उनको फालिज था। तो कहता है कि वो मैं देख रहा हूँ कि ये हो क्या रहा है, और मैं फिर, लेकिन मैं सो जाता था, मैं कहता था मैं इनको डिस्टर्ब नहीं कर रहा, मैं इनको डिस्टर्ब करूँगा मुझे डिस्टर्ब करेंगे, लेकिन उसके साथ ये कॉन्टीन्यूसली वहाँ पर होता रहा है। और जब फाइनली लास्ट जो चीज़ हुई वो ये थी कि हम जब उस घर से शिफ्ट हो रहे थे तो हम किचन, मेरी अम्मा ने नया बनवाया था ऑलमोस्ट, लेकिन वहाँ कुछ दीमक का मसला हो गया था तो वो बहुत ख़राब हो रहा था, तो हम वहाँ से फाइन, जैसे आप अपने मसाले के जार्स वगैरह डब्बे में डाल रहे हो तो आपने काम वगैरह किया और कंप्लीट नहीं हुआ तो आपने वहीं पे जार्स वगैरह छोड़ दिए, क्योंकि पूरा ही घर बिखरा होता था शिफ्टिंग में। हम चले गए सोने। नेक्स्ट डे हम उठ रहे हैं ना, तो वो जार्स टूटे पड़े होते थे। हमारी बहुत सारी चीज़ें जो बहुत बहुत उसमें कुछ चीज़ें कीमती भी थी वो गायब हुई हैं घर के शिफ्टिंग के दौरान। अच्छा अब मैंने कभी भी इसको एक ना आप ये कह लेना कि जैसे आप कह सकते हो कि यार आप इसको एक चांस दे लो कि यार वैसे ही हो सकता है, घर में मजदूर आते हैं, ये होता है वो होता है, कुछ भी हो सकता है, सारा सामान उल्टा पुल्टा होता है। लेकिन उसके बाद हमने जितना भी सामान शिफ्ट किया और सारा कुछ देखा तो हमें कुछ भी वो चीज़ नहीं मिली। और उस टाइम पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा होती थी कि हमारी शीशे की चीज़ें जो जार्स होते थे या शीशे का हमारा पूरा एक ना उसको हम शोकेस कहते हैं ना, जो उसके पूरे पूरे शीशे टूटे होते थे और वो गिर के टूटते थे। जो इतने सालों से हम जिस घर में रह रहे हैं वो लगा हुआ होता था पूरा दीवार के अंदर शीशा, और वो शीशा पूरा गिरा हुआ टूटा हुआ होता था। ऐसा भी हुआ और हमारे सारे शीशे टूट गए थे। हमारी सारी टूटने की आवाज़ आती थी आप लोगों को? जी आती थी, आवाज़ आती थी। और रात में जिस टाइम हम जा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हुआ, जब ज़ाहिर है जार्स वगैरह टूटते थे क्योंकि मैंने आपको बताया घर बड़ा था, हमें नहीं पता चलता था ऑनेस्टली। लेकिन जिस टाइम पर शीशे टूटे, हमारे 3 शोकेस थे बहुत बड़े बड़े, तीनों के शीशे टूट गए और बहुत बुरी तरीके से, और वो अटैच थे। हो सकता है और भी कोई रीज़न्स हो, हम ये भी कह सकते हैं मेरे घर में भी 2 बिल्लियाँ हैं, हो सकता है उन्होंने कुछ ऐसा किया हो, लेकिन जो चीज़ अटैच है वो कैसे टूट सकती है। बहरहाल इसको भी सारा कुछ देखे। लेकिन जब बाद में अगर कोई हमें कहता है ना, तो बहुत सारे लोग हमें स्टिल कहते हैं कि जो हमारे अलावा नॉन लिवर्स जो वहाँ के थे, तो वो कहते हैं कि हमने वहाँ प्रॉपर एक एंटिटी देखी है वाइट कलर के ड्रेस में, वो कोई बाबा थे वो कहते हैं। और ये कि जब तुम लोग शिफ्ट हो रहे हो ना तो ये एक एज अ साइन होता है कि उनको अच्छा नहीं लगता या उनको ये चीज़, क्योंकि तुम्हारे साथ कंफर्टेबल थे, उन्होंने तुम लोगों को कभी नुकसान नहीं पहुँचाया। मैं कहा पता नहीं, हमारे यहाँ तो देखा भी किसी ने एज सच कुछ नहीं, जिसने देखा वो बाहर वाले ने देख के बताया। 2-3 चीज़ें ऐसी हों, लेकिन आप उसको नहीं कह सकते। बहरहाल तो ये वाकया था। और आपको अभी मूव हुए कितना अर्सा हो गया इस घर से? मैंने आज भाई साल भी नहीं हुआ मेरा ख्याल में, शायद सितंबर के अंदर हम अगस्त के अंदर हम यहाँ शिफ्ट हुए। अगस्त से ही मैंने आपकी ब्रॉडकास्ट सुननी स्टार्ट की न्यू घर में आके, तो साल भी। और कभी भी आप लोगों ने ये पता करने की कोशिश नहीं की कि वो कौन बुजुर्ग हैं, कब से रह रहे हैं, क्यों रह रहे हैं? मिनाज भाई देखें, अम्मा मेरी जो है वो ये कहती हैं कि देखो बेटा, जब एक घर, मैंने आपको बताया ना ऊपर वाला पोर्शन खाली रहा हमारा, जब एक घर बहुत टाइम तक खाली रहता है ना तो वहाँ ये चीज़ें होती हैं। और घर माशाल्लाह बड़ा बहुत था, वो 600 गज का घर था, लेकिन वो खाली रहने की वजह से तो नहीं आए, वो तो पहले से थे। पता नहीं मिनाज भाई, मैंने ये चीज़ सुनी है कि अगर कोई घर है या कोई जगह है वो 40 दिन तक खाली रहे, वहाँ इंसान ना हो, तो इवेंचुअली वहाँ पर जन्नत आके बसेरा कर लेते हैं। मुझे नहीं पता, मैं ये नहीं कह रही कि मैं मानती नहीं हूँ, लेकिन मैं इतनी ईजीली हर चीज़ को कि नहीं वो जन्नती थे वो जन्नत है, वो ये नहीं कहती। मुझे अभी भी नहीं पता, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मैंने खुद आई विटनेस नहीं किया। लेकिन ये कुछ वाक़यात थे जो हुए उस घर में, और वो घर कहीं नहीं तो 45 ईयर्स से मेरे बाबा वहाँ रह रहे थे और वो घर 70 ईयर्स तकरीबन पुराना था, और अब जाके वो टूटा जब हम वहाँ से शिफ्ट हुए।